guys, good morning. Welcome back to my channel. My name is Bhavish Rathi and yes, we are starting another video which is not a vlog. This video is going to be a questionnaire video जो मैंने question की एक story डाली थी अपने Instagram पे और जितने भी मेरे को question receive हुए हैं उन received question पे हाँ मैं अपने answers देने वाला हूँ. और ये बहुत सच बोलता है. ये मैंने अपनी बहन को अपने साथ रखा हुआ है because क्योंकि मैं इसके हर answer को rate करूँगी कि ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं. Yeah. The rating, because obviously बहन है तो बचपन से जानती है ना. And another thing. और जो है मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती. अगर ये गलत है तो ये गलत है, अगर ये सही है तो ये सही है. वो बाकी आप लोगों को पता ही है. आहा. So yeah, मेरे को बहुत सारे responses मिले but बहुत मतलब expected नहीं था कि मेरे को इतने कम भी मिलेंगे. मेरे को expectation थोड़ी ज्यादा की थी but responses number are good. Video ज्यादा बड़ी नहीं होगी because ओके रिस्पॉन्सेज है. सो लेट्स गो. सो द फर्स्ट को मैं नाम नहीं बताऊंगा. आई एम नॉट गोइंग टू रिवील द आइडेंटिटी. क्वेश्चन मेरे से पूछा किसने. आई एम जस्ट गोइंग टू रेट इट और आई एम जस्ट गोइंग टू आंसर इट. अब वो अगर आपने क्वेश्चन दिया तो आपको पता ही होगा कि तो आपको आंसर मिल जाएगा. फर्स्ट, हु आर योर प्रायोरिटीज. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो क्योंकि ये तो कोई भी पूछ लेता है. बट प्रायोरिटीज देखो, अगर आप अपने एक इंडिविजुअल हो तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटीज आपके घर वाले आपके दोस्त ही होते हैं. राइट. सो द फर्स्ट प्रायोरिटीज आर फैमिली एंड फ्रेंड्स. सेकेंड इज माई करियर. अब करियर आ जाएगा तो पैसा आ जाएगा और अगर पैसा आ जाएगा तो लव है ही. क्रोनोलॉजी है ये. बट फर्स्ट आर माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स. सेकेंड क्वेश्चन इज राइट. जो उसका पहला आंसर था वो सही था. सेकेंड, बहुत ही पथेटिक क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसने या इन्होंने जो भी है ये क्वेश्चन वाले, इन्होंने बहुत ही अलग क्वेश्चन पूछा है जिसका मैं 1% भी ना दूं कोई नहीं. बट क्वेश्चन इज फर्स्ट प्रायोरिटी यूपीएससी और प्रायोरिटीज, जिसके अंदर यूपीएससी होता है यू फॉर उत्तर प्रदेश, यूपी इज फॉर उत्तर प्रदेश, एस इज फॉर सर्विस एंड सी इज फॉर कमीशन. मैंने बस ये स्पेलिंग बताई है, वैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है लेकिन इसने लिखा है यूपीएसई. ई फॉर एग. या सो इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीएससी एंड क्वेश्चन इज फर्स्ट प्रायोरिटी यूपीएससी और रोडीज. देखो मेरे को जो जानते हैं ना वो मैं बहुत बड़ा रोडीज का फैन हूँ बट यूपीएससी के आगे रोडीज इज लाइक यू नो द स्पार्कल्स ऑफ सम. या दैट इज फॉर श्योर यूपीएससी. दैट्स माई अल्टीमेट गोल. इज राइट. At what age would you like to get married? देखो अरे मैं तो चाहती हूँ अभी बस जॉब मिले और मैं इसकी शादी कर दूँ. मैं अभी शादी करना नहीं चाहता. मैंने शादी का सोचा भी नहीं है. अगर मैंने सोचा होता तो मेरे पास कोई मेरी संगिनी होती. आई एम सिंगल. पर मैं बहन हूँ अभी जो इसके साथ बैठी हूँ. हाँ तो मैंने अभी शादी का कुछ नहीं सोचा. बट या जो नॉर्मल एज होती है इज अराउंड 28 to 30 उसके बीच में देखते हैं. और हाँ ठीक है, ये तो एज की बात हो गई लेकिन जिससे भी ये शादी करेगा उसको अप्रूव मैं करने वाली हूँ. तो आपके जो भी कैंडिडेचर्स है ना वो मेरे को भेजना. मैं पूरा देखूंगी कि आप मेरे भाई के लिए सही हो कि नहीं हो और मैं अप्रूव करूंगी. तो इसको पटाने से कुछ नहीं होगा, इसकी बहन को पटाना होगा. नहीं आप मेरे को पटा सकते हो क्योंकि अपनी बहन को तो मैं पटा लेता हूँ. नहीं नहीं लड़की आज, को आज, आज, आज की पार्टी के लिए पैसे कौन दे रहा दीदी. चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन. फेवरेट सीरीज क्वेश्चन तो ठीक है लेकिन मेरे को बताओ होता ना कि या नेटफ्लिक्स पर्टिकुलर फेवरेट सीरीज या प्राइम पर्टिकुलर फेवरेट सीरीज, तो वो अलग अलग हो जाता. तो इन जनरल बता दे तेरी फेवरेट कौन सी है. देख एज सच कोई फेवरेट नहीं है. फेवरेट होते जो आप रिपीटेडली देखते रहो. ऐसी कोई सीरीज नहीं बहुत लोग देखते हैं. अरे बोर हो जाते हैं. देखो बहुत सारे होंगे जो फ्रेंड सीरीज के लवर होंगे. मैं बिल्कुल नहीं हूँ. नॉट इवन 1%. सेकेंडली मैंने बहुत सारी वेब सीरीज देखी है जिसमें मेरे को बहुत सारा मतलब आई लाइक वेब सीरीज रिगार्डिंग सस्पेंस थ्रिलर. तो मैं कहूंगा कि मनी हाइस्ट वॉज गुड. टीवीडी द वैम्पायर डायरीज वॉज गुड. एंड अगर इंडिया में आते हैं तो मिर्जापुर वॉज गुड. एंड मिर्जापुर तो ओपी था भाई. एंड द क्या कहते हैं कॉलेज रोमांस वॉज गुड. कॉलेज रोमांस के दोनों सीजन बहुत प्यारे हैं. जो कॉलेज गए हैं उन जो नहीं गए उन्हीं को एक्चुअली उनको प्यार पता है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये आपको स्क्रीन पे मैथ्स का क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसका आंसर इक्वल टू 0 है. अगर मैं गलत हूं तो मेरे को प्रूफ करके दिखाना मेरे कमेंट सेक्शन में. सो ये एक
एक और सेम क्वेश्चन मेरे को मिला है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक यू विल बी व्हेन यू विल गेट मैरिड. द सेम आंसर, इट विल बी अराउंड 28 से 30, बट यू नो द अप्रूवल इज फ्रॉम माय सिस्टर राठी. यस. या नेक्स्ट क्वेश्चन. ओ What type of person are you? Early bird or late owl? देखो जो मेरे दोस्त है ना वो मेरे को जानते हैं. I am early. मैं early bird हूँ. मैं हर जगह time पे पहुँचता हूँ. मैं सुबह भी time से उठता हूँ, है ना? ये बाकी बोल रहे हैं. जितने भी मेरे दोस्त है ना वो मेरे को कमेंट में बताने कि मैं अर्ली बर्ड हूँ या लेट आऊ. मेरी नजर में अर्ली बर्ड हूँ. मेरी नजर में तो लेट लतीफ है. नो नो. नेक्स्ट नेक्स्ट. नेम अ फ्यू थिंग्स दैट यू आर मोस्ट ग्रेटफुल फॉर इन योर लाइफ. सी, मेरे को दूसरों के फैमिली के बारे में नहीं पता. मेरे को दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है नहीं पता. मेरी जिंदगी अभी जैसी चल रही है, मैं उस चीज में इस बात पे ग्रेटफुल हूँ कि मेरी बहुत अच्छी एक फैमिली है. सेकेंडली, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मेरे सुख और दुख दोनों जगह साथ है मेरे साथ, जितना मैं जानता हूँ. ऑल दो दोस्त कम होते रहते हैं बाकी दोस्त कम होते रहते हैं, बट जितने भी है देखते हैं एंड तक कौन चलते हैं साथ में. और ग्रेटफुल मैं अपने, यू नो, आई एम ग्रेटफुल फॉर माय इंटेलेक्ट एंड फॉर माय ह्यूमर. मेरा बहुत अच्छा इंटेलेक्ट और ह्यूमर है. क्या आप जवाब देना चाहेंगे इस पर? ह्यूमर के लिए मैं अग्री करती हूँ, पर इंटेलेक्ट के लिए मैं डिसएग्री. चलो अब आपको ये बात तो पता चल गई ना, लड़कियां ह्यूमर के लिए मरती है, तो मरो ना भाई. तो कर ना, परेशान हो गए हम 1.5 साल से. ये ऐसे बोल रहा है इसने, मैं बोल रहा हूं किसी ने हार्ट अटैक ना आ जाए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेम और रिचनेस. क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है, फेम मतलब पॉपुलैरिटी. या और अगर आप पॉपुलर हो तो पैसा आएगा ही. बोथ आर इंटररिलेटेड, बोथ आर कोरिलेटेड. बट अगर आप क्वेश्चन, अगर आप अपनी लाइफ में स्टार्ट करते हो फेम से, अगर आप रिचनेस से स्टार्ट करो ना तो आपको फेम नहीं मिल पाएगी. राइट. क्योंकि अगर आप अपने पैसे ही दिखाते रहोगे ना तो कोई आपको फेम नहीं देने वाला, कोई आपको पसंद ही नहीं करेगा. वो आपको पता है क्या समझेंगे? हवाबाज. हवाबाज. प्राउडी. 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 और ये मैं लिख के दे सकती हूँ कि हर किसी के लाइफ में एक आध ऐसा होता है जो एक नंबर का प्राउडी होता है या होती है. है ऐसा तो कमेंट करके बताना. बस नाम मत बताना, यस लिख देना बस. यस या नो. यस आई हैव इन माय लाइफ. क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें पूछी ना, मैंने एक मैथ्स का क्वेश्चन पूछा वो भी आपको जवाब देना है. तो मैथ्स और ये सब कुछ मेरे को बताते रहना कमेंट सेक्शन में. बाकी या फेम और रिचनेस में, फर्स्ट फेम, फेम हुई तो रिचनेस आ जाएगी. फोकसिंग ऑन फेम इज गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज योर मोस्ट एम्बेरेसिंग मोमेंट एट स्कूल? तो देखो मेरी SST की मैम थी, जो जो सेंट एंथनी में पढ़े हैं ना उनको पता होगा, नीना गुप्ता मैम. यू द फर्स्ट. यू द फर्स्ट. यू द फर्स्ट. ए गुड्डा मवाली. हाँ, तो जिनको भी एंथनी वाले ना उनको पता होगा, मैंने उनके पेपर में ये होता था कि अगर आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 8 पॉइंट लिखने हैं, और 4 नंबर के क्वेश्चन में मेरे को 6 पॉइंट याद थे. तो जो 2 पॉइंट है ना वो मैंने ब्लू आइज का रैप बनाया था. ब्लू आइज जो कि ये पकड़ा गया था, जो हनी सिंह का रैप था ना, ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी. ओ माय सिंगर. सो वो मैं पकड़ा गया था, मेरे पापा को बुलाया गया था, और मेरी हजामत तो नहीं बनी थी. पापा मेरे को देख के हंस रहे थे. और वो भी मैम के सामने. हाँ, मैम के सामने. मैम कहती है अरे आप हंस क्यों रहे हो? मैम कुछ नहीं, आपकी शक्ल देख के. ए ये नहीं, यू शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स. चल नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपकी दी इंटेलिजेंट है? बिल्कुल भी नहीं. ए कुत्ते. आउट ऑफ 100 आई वुड लाइक टू रेट हर -10. कमीना. देखो अगर ये इंटेलिजेंट होती, ये ब्लॉग कहाँ कहाँ तक जाने वाले, और ये अपने भाई को इतने कस वर्ड यूज कर रही है तो मैं क्या करूँ? ये प्यार वाले होते हैं आजकल. कुत्ते कमीने इज वेरी कॉमन, पर ये आंसर गलत है. या बिकॉज -10 ही -20 है. मैं कम्प्लीटली डिसएग्री करती हूँ. इसकी बहन इंटेलिजेंट है तभी ये इंटेलिजेंट है. हाँ, क्योंकि बेस, यू नो, बेस इसने बनाया. नेक्स्ट, व्हाट्स द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग दैट यू वांट टू मेक इट हैपन इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वे? ये अच्छा क्वेश्चन है. हाँ, मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग, मैंने इस बारे में एक्चुअली सोचा नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज एक्सपेक्टेड इन माई लाइफ. क्योंकि मैं हर चीज अचीव कर लूंगा, और ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस भी कॉन्फिडेंस है. जनरली इसको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है हर चीज का. अगर इंसान मेहनत करेगा तो ही कुछ अचीव करेगा, जो कि ये कर रहा है.
अभी तक तो अभी तक कर रहा है, पर अगर ये अपने लक्ष्य से डगमगाया तो आई डाउट। हाँ तो ठीक है, बट अनएक्सपेक्टेड थिंग जो मैं कर चुका हूँ या करने वाला हूँ, करूंगा हैपन जो मैं कर चुका हूँ। देखो मेरे को ना सही में उम्मीद नहीं थी कि मेरे 10th में 9.4 CGPA आएगी। मेरे को बिल्कुल उम्मीद थी 10th में 9.4 CGPA आएगी, पर जो आई थी क्योंकि मेरे को एक्चुअली 10th का तो नहीं, क्योंकि 10th तक तो मैं देखती हूँ। मेरे को याद है तेरी, मैं बता देता हूँ कितनी CGPA आई थी तेरी। मेरी 8.4 CGPA थी, पर मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं ये बात कर रही हूँ कि इसकी 10th में 9.4 CGPA आ जाएगी। मेरे को वो था कि हाँ कर लेगा, क्योंकि मैं थी, शादी मेरी नहीं हुई थी, मैं इसको देख रही थी पढ़ते हुए या थोड़ा बहुत पढ़ाती थी। मेरे को मेन डाउट था इसके 12th की परसेंटेज, मेरे को क्या पापा तक को डाउट था, और हम दोनों सोचते थे ये बेड़ा गर्व करवाएगा सही में। लेकिन जब इसका इसकी परसेंटेज हमने सुनी थी ना, पापा इसको तुरंत रिजल्ट सुनते ही इसको ले गए थे फोन दिलाने के लिए। इसकी रिक्वायरमेंट थी कि मैं अगर इतना ले आऊंगा तो मेरे को फोन दिला दोगे। तो जो कहते हैं ना पेरेंट्स की, अगर आपको कुछ चाहिए तो यू को इतने ला के मिल जाएगा, दैट्स ट्रू। आप करो घर वालों के लिए, आपको मिलेगा। हाँ, तो जैसे इन्होंने मेरे को बोला था कि मैंने गवर्नमेंट जॉब निकाल दी तो मेरे को एक बुलेट बाइक गिफ्ट करेंगे। हाँ करूंगी, बुलेट बाइक, थार गिफ्ट करूंगी। नहीं नहीं, थार मैं अपने पैसों से खरीदना थार। सो या दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, जो अनएक्सपेक्टेडली आ गए। हाउ कैन आई बी अ बेटर फ्रेंड टू यू? यू कैन बी अ गुड फ्रेंड टू मी अगर तू मेरी एक चेन शुरू कर दे। हाँ। तो तीन लोगों से सब्सक्राइब करवा और उन तीन लोगों को बोल कि वो आगे तीन लोग से सब्सक्राइब करें, सिर्फ इसकी चेन दुनिया बदल जाएगी। सिर्फ इसकी चेन नहीं, इसकी बहन की भी चेन नहीं यार, मेरी मेरी होगी ना तो मेरे व्लॉग में आगे हो जाएगी तेरी। ये मत भूलना कि जो भी इसको सब्सक्राइब करे ना ऑटोमेटिकली इसकी बहन को भी सब्सक्राइब करना है, और जो मुझको सब्सक्राइब कर रहा है ऑटोमेटिकली इसको सब्सक्राइब करना है। हाउ लकी यू फाइंड योर सेल्फ टू हैव मी विद यू। ये कौन है? ओ गॉड, सेल्फ ऑब्सेस लड़का, उफ लड़की जो भी है। हाँ वो मैं बता नहीं सकती। देखो मैं जितने भी मेरे दोस्त है ना जो मेरे साथ है, मैं उन सबको पाके बहुत खुश हूँ और मैं बहुत लकी हूँ। हाँ सही में, क्योंकि मेरे घर वाले जानते हैं मेरे दोस्तों के बारे में यार, कि वो कब कहाँ कैसे कहाँ। और अगर आप और जानना चाहते हो भविष्य राठी के बारे में तो आप इसकी बहन को दोस्त बनाओ, क्योंकि इसके ज्यादातर दोस्त मेरे भी दोस्त हैं पर आप नहीं हो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, या ओनली दिस मच क्वेश्चन, नथिंग मोर देन दैट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, जो भी क्वेश्चन आए थे मैंने उनका आंसर दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाकी जो मैंने बोला था कि आप तीन लोग को सब्सक्राइब कर, आगे तीन लोगों से और करवाने, उनको बोल देना कि आगे करते रहे तो चेन बन जाएगी 900 सब्सक्राइबर, ऐसे हो जाएंगे। टारगेट इज 1000 सब्सक्राइबर्स, लेट्स गो। अगर इस वीडियो को 1K लाइक्स मिल गए तो हम इस वीडियो का पक्का पार्ट 2 बनाएंगे। 1K अभी तो जिस हिसाब से व्यूज आ रहे हैं उसमें तो 1K तो आए पहले, धीरे धीरे बढ़ेंगे। एक्चुअली इट्स नॉट 1K views, 100 likes. तूने likes बोल दी 1K. मैंने views बोला है. Okay, 1K views. अगर 1K views आए तो हम definitely part 2 बनाएंगे, जिसके अंदर मैं चाहूंगा कि जो मेरे followers हैं वो मेरे से और ज़्यादा question पूछे. हाँ. और मैं और ज़्यादा जवाब दे पाऊँ. So that's all for today's video. Thank you for watching Tridel. And go watch, like, subscribe to his channel name Bhavishya Rathi and his sister's channel name Srishti Rathi. The link is in description below. Right. Don't forget to hit a like. Don't forget to share. Thank you so much, guys. Peace out. Peace out.